हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की चरी इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम का अंगूरा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आम का अंगूरा बनाने के लिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आम को लेंगे। ये 5 आम लिया हमने, इसके वेट के हिसाब से लगभग 1/2 kg के आसपास होगा। इसे छील के हमने रफली चॉप कर लिया। इसे एक इंच के साइज में इसको काट लिया है। आम का अंगूरा को फ्रेंड्स अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे लौंजी के नाम से भी जाना जाता है, आम का लौंजी के नाम से। हम लोग के यहाँ अंगूरा या अंगूरा बोला जाता है, तो आप चाहें जिस भी नाम से पुकारें आप अपने क्षेत्रीय भाषा में। आम का सीजन आया और आपने आम का अंगूरा नहीं खाया तो फिर आम का सीजन बेकार है आपके लिए। अब हम इसे भगोने में इसे उबाल करेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि ये हमारा आम के जो छोटे छोटे पीस हैं ये पक जाएं। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और फ़ौरन डालेंगे। इसमें फ़ौरन में हमने मिर्च, सूखी मिर्च का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें जीरा हम डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा के आसपास है। और इसे और स्वाद बनाने के लिए हमने अजवाइन का प्रयोग किया है, ये भी 1/2 चम्मच के आसपास है। और आम हमारा वेट में लगभग 1/2 kg के आसपास है। हमारा फ़ौरन जल चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे आम का कटा हुआ पीस और इसे 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें अब गुड़ डालेंगे। गुड़ आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आम ज़्यादा खट्टा हो तो उस हिसाब से गुड़ डालें। हमने यहाँ लगभग 1/2 kg आम में 1/2 kg गुड़ का इस्तेमाल किया है। और अब इसे बारी बारी से चलाते रहेंगे लगातार। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये हमारा अंगूरा लगभग तैयार है फ्रेंड्स, मसालेदार। अजवाइन डालने से फ्रेंड्स इसमें टेस्ट और आता है। और डाइजेशन भी अच्छा होता है इसमें। अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। इस तरह से आप आम के अंगूरों को बनाएंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। ऐसे अपना अपना बनाने का स्टाइल है, आप चाहे तो अपनी इच्छा से बना सकते हैं। बहुत जगह इसे आम की चटनी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को आप ठंडा करके खाएं, चाहे तो रेफ्रिजरेटर में रखें या फिर कमरे के तापमान पर रखें। ठंडा करके खाने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसे आप चाहे तो फ्रिज में 10 से 12 दिन तक रख के खा सकते हैं आराम से। तो ये हमारा बन के तैयार है खट्टी मीठी आम का अंगूरा।
या आम का लौंजी बोलें या आम की चटनी बोलें। खट्टी मीठी चटनी, तो आप भी इसे घर पे बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है रेसिपी फ्रेंड्स, लगभग 10 से 15 मिनट में आपका ये रेसिपी तैयार हो जाएगा बनके। आप इसे रोटी के साथ खाएं या ऐसे टेस्ट करें, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स ये आम का अंगूरा। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।